हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो मैं अरुण सर, आपके साइंस टीचर। आज हमारे साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। साइंस बुक का नाम है यंग साइंटिस्ट। बहुत ही अच्छी बुक है। इसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पहले से आप थोड़े बहुत इसके बारे में जानते ही हो। अब छोटी क्लास में इसे पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। पहला चैप्टर है, इसलिए ये थोड़ा इजी भी चैप्टर भी है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जो चीज कवर करेंगे वो है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बारे में लिविंग थिंग्स के जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये सारे प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम देखेंगे। और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल्स में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है, अब अगर चारों तरफ आपके चारों तरफ में देखेंगे, इफ यू लुक अराउंड यू देन व्हाट विल सी, आप क्या देखोगे? बहुत सारे कलरफुल और वंडरफुल थिंग्स आप देखोगे, जैसे कि टॉयज, टेबल, चेयर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे चीजें आप देखेंगे, जैसे कि टॉय, टेबल, चेयर, प्लांट्स, एनिमल्स। ये रॉक्स का मतलब क्या है? पत्थर। माउंटेन्स का मतलब क्या है? पहाड़। रिवर्स के मतलब क्या है? नदियां। ये बहुत सारी चीजें आप देख पाएंगे, ठीक है? सो यू वुड नोटिस दैट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हैं। टॉयज और प्लांट्स अलग हैं, टेबल्स और एनिमल्स इसमें कुछ चीजें अलग हैं, पर एट द सेम टाइम दे हैव सम सिमिलरिटीज टू। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे उनमें अंतर होने के बावजूद कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनमें कॉमन हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि इसमें से लिविंग है, जैसे कि आप कह सकते हो प्लांट, एनिमल्स, ये सारे लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, टॉय, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसके पास जान नहीं है, टॉय, टेबल इसके पास जान नहीं है, लेकिन प्लांट्स है ये छोटे से बड़े होते हैं, एनिमल्स हैं छोटे से बड़े होते हैं, और इनमें जान है, ये चल फिर सकते हैं, तो ये लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है? इसके बाद और थोड़े क्वेश्चन आपसे किया गया है, हाउ कैन वी कॉल सम ऑब्जेक्ट्स लिविंग एंड सम ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग्स, जो कि यहाँ पर हमारे चैप्टर में है लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है? तो कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ चैप्टर का नाम लिविंग एंड नॉन लिविंग लिखा हुआ है। अब तो यहाँ पर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग्स है, ठीक है? इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, और डिटेल्स में जाएंगे ना। नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, और इसमें और सारी कुछ चीजें हैं जो नेचुरल और मैनमेड थिंग्स है। आप यहाँ पर अगर ये लिस्ट में देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा बहुत सारे चीज नेचुरल हैं, बहुत सारे चीज मैनमेड हैं। नेचुरल थिंग्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल थिंग्स मतलब जिसे भगवान ने बनाया। मैनमेड थिंग्स, मैन का मतलब है इंसान, मेड मतलब जिन्होंने बनाया, और जो मैनमेड है मतलब कि जिसे इंसान ने बनाया उसे मैनमेड थिंग्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, देखिए आप अगर थिंग्स इनसाइड द क्लासरूम और थिंग्स आउटसाइड द क्लासरूम आप अगर अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपके क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देते हैं, क्लासरूम के बाहर क्या क्या चीजें दिखाई देते हैं, आप यहाँ पर तीन तीन नाम लिखेंगे, ये आपके लिए, ठीक है? जैसे कि क्लासरूम के अंदर आप क्या देखेंगे, डेस्क देखेंगे, बेंचेस देखेंगे, टेबल देखेंगे, फेन देखेंगे, चॉक, डस्टर, ये सब देखेंगे। और अगर आउटसाइड द क्लासरूम क्या देखेंगे आप, जैसे कि बस, ट्रक्स और बहुत सारे दुकानें, शॉप्स, ये सब आप देखेंगे, ठीक है? इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहां पर
द थिंग्स विच यू सी इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम और एनीवेयर एल्स मे इंक्लूड थिंग्स लाइक माउंटेन्स ग्रास टेबल चेयर वाटर चॉक डस्टर ट्रीज एंड फ्लावर्स। जैसे कि पहले पेज में भी बताया गया है, आप अगर अपने चारों तरफ में देखेंगे तो ये सारी चीजें, बहुत सारे चीज, यहाँ तो कुछ चीजें लिखा हुआ है, आप बहुत सारे चीजें देख पाएंगे, हजार हजार चीजें आपके आसपास में दिखेंगे। तो ये कुछ चीजों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। दे मे बी नेचुरल और मैन मेड, ये सारी चीजों के अंदर कुछ कुछ जो चीजें हैं जो नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल मैंने आपको पहले ही बताया, नेचुरल का मतलब क्या है, जिसे भगवान ने बनाया। मैन मेड का मतलब क्या है, मैन मेड मतलब जिसे इंसान ने बनाया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, देखिए नेचुरल जैसे कि यहाँ पर आपके फ्लावर ट्रीज या फिर एनिमल, ये सारे नेचुरल चीज हैं। मैड मेड थिंग्स क्या है, टेबल चेयर और क्या चौक, ये सारी चीजें इंसान ने बनाया, इसे हम मैन मेड थिंग्स कह सकते हैं। थिंग्स लाइक एनिमल प्लांट सन मून माउंटेन्स एंड रिवर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। और ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मैन है, मून है, ये सारे चीजों को भगवान ने बनाए हैं, इसे हम लोग नेचुरल थिंग्स कह सकते हैं। उसके बाद नेचुरल थिंग्स में लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भगवान ने बनाए हैं उनमें लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। कैसे, जरा एग्जांपल से समझते हैं। लिविंग मतलब जिसके जान है, मैं बोलूं ये प्लांट्स तो ये लिविंग थिंग्स है, एनिमल लिविंग थिंग्स है, पर ये नेचुरल थिंग्स है। लिविंग तो है, इसके साथ साथ नेचुरल भी है। नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल मतलब ये पहले से हमारे धरती पे मौजूद है, इसे भगवान ने बनाए हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग है वो नेचुरल, कुछ नेचुरल चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर माउंटेन्स भगवान ने बनाए हैं पर ये नॉन लिविंग है, ठीक है। रिवर ये भी नेचुरल है पर नॉन लिविंग है। थिंग्स लाइक टॉयज व्हीकल टेबल चेयर्स बिल्डिंग एंड क्लॉथ्स आर मेड बाय मैन, ये सारी चीजें देखिए, टॉयज व्हीकल टेबल चेयर बिल्डिंग्स क्लॉथ्स आपके कपड़े, ये सब इंसान ने बनाया, इसे हम मैन मेड कह सकते हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ये सारे चीजें को हम लोग मैन मेड बोल सकते हैं, टॉयज को, व्हीकल्स को, टेबल्स को, चेयर्स को, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, ये सारी चीजें नेचर में खुद से मौजूद नहीं होते हैं। ये टेबल पहले से नहीं थे यहाँ पर, हमने बनाया है। चेयर इंसान ने बनाया, व्हीकल इंसान ने बनाया है, टॉयज इंसान ने बनाया है, पहले से तो ये थे नहीं, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये मैन मेड थिंग्स। और आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है, बुक्स में देखिए, ये सारे चीजें आपके नेचुरल हैं, जैसे कि अर्थ नेचुरल है, ये देखिए डॉग का बच्चा है पप्पी नेचुरल है, एप्पल नेचुरल है। नेचुरल के अंदर में ये सारे चीजें देखिए, ये दोनों क्या है हमारे, ये जैसे पप्पी है लिविंग थिंग्स है और ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके नीचे आप अगर देखेंगे, देखिए ये बुक्स, ये है टेबल और ये है कार, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग है और मैन मेड थिंग्स भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजों के नाम दिया गया आपके लिए, ये जब कुछ चीजों के नाम है जैसे कि टेबल बुक्स प्लांट्स वाटर बॉल एंड एनिमल, ये सारी चीजें हैं। अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है और नेचुरल और मैनमेड क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजों को अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है, नेचुरल मैंने जिसे भगवान ने बनाए हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या क्या चीजें हैं, आप ये दोनों टेबल में अलग अलग करके लिखेंगे, नेचुरल इनमें से नेचुरल क्या है और मैन मेड क्या है। जैसे कि मैं बता दूं, ये टेबल इंसान ने बनाया है तो ये मैन मेड यहाँ पर आ गया, बुक्स क्या है इंसान ने बनाया तो यहाँ पर लिखेंगे आप मैन मेड में लिखेंगे, प्लांट्स भगवान ने बनाया तो ये नेचुरल में लिखेंगे, वाटर ये भगवान ने बनाया तो नेचुरल में लिखेंगे, बॉल्स ये मैन मेड है इसे यहाँ लिखेंगे, एनिमल्स ये नेचुरल है और भगवान ने बनाया तो इसे यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से ये बॉक्स को आप फिलअप करेंगे, ठीक है।
और अगले क्लास में हम देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग जो है उसके बारे में पूरा, क्या क्या लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सारे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।